फ्रेंड्स, भवंती स्ट्रीट मैंगलोर के अंदर हमारे ही स्टूडेंट का एक अच्छा सा सर्विस सेंटर ओपन हो रहा है और वेरी क्लियर माइंडसेट है, रिपेयर एंड सर्विस सेंटर ओपन करना है मैंगलोर के अंदर। और मैंगलोर का एग्जैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे आई प्रोफेशनल इंडिया के नाम से है, आईफोन और डेस्कटॉप, लैपटॉप और मैकबुक, कंप्लीट रिपेयर एंड सर्विस सेंटर है, एक्सक्लूसिव, यानी वेरी क्लियर है, देयर इज नो डिस्टर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, पता नहीं, लाइक कंफ्यूज हैं, उनको खुद को नहीं समझ आ रहा है सर्विस सेंटर ओपन करना है या ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना है। और लास्ट अगर 1-2 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा रहेगा, इंडिया के अंदर सर्विस सेंटर कम और ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा खुल रहे हैं। और ट्रेनिंग ऐसा नहीं भी खोलना नहीं चाहिए या खोलना कोई गलत बात है, बट एक होता है कि जेन्युइनली एक्सपीरियंस। अभी 2 मंथ्स पहले हमारे से एक टेक्नीशियन सीखा है, लाइक टेक्नीशियन नहीं है, फ्रेशर है, मल्टीमीटर पकड़ना नहीं आता था, यहाँ काम सीखा है और थोड़ा काम किया, और हार्डली 4 मंथ्स नहीं हुआ अभी एक सर्विस सेंटर ओपन किया है, 15,000 रुपये दे के काम सीखा है और 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं है। अभी अगर सैमसंग का फोल्ड दे दूंगा तो उससे होगा नहीं, यानी जो रिपेयर एंड सर्विस के लिए हर एक अलग टीम है हमारे पास, अलग ट्रेनर है, एंड्रॉयड का करने के लिए अलग है, सॉफ्टवेयर का करने के लिए अलग है, यानी ये ट्रेनिंग एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग इसकी पूरी टीम है, मार्केटिंग से लेके रिपेयर एंड सर्विस सिखाने से लेके, चाहे वो आईफोन है, चाहे एंड्रॉयड है, चाहे सॉफ्टवेयर है, चाहे हार्डवेयर है। फिर यहाँ पे चिप लेवल करने के लिए अलग 2 टेक्नीशियन हैं, और डेस्कटॉप और ओल्ड मॉडल या लैपटॉप, उनको L1 L2 करने के लिए अलग टेक्नीशियन है, मार्केटिंग सेल्स के लिए अलग टीम है। हमारा रिपेयर एंड सर्विस सेंटर अलग है, वो हमने 2003 में ओपन किया था। अभी जो हमारे ओपन कर रहा है स्टूडेंट, ये रिपेयर एंड सर्विस सेंटर ओपन कर रहा है, ना कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी 1-2 साल लगेगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा जब ये रिपेयर एंड सर्विस एक लेवल करेगा काम, यानी जो काम कर सकता है। अभी कल हमारे पास एक स्टूडेंट आए हैं दिल्ली से, यानी हरियाणा से हैं एग्जैक्टली, बट दिल्ली उनको नज़दीक होता और सीख सकते थे मेरे से फ़ोन पे। उन्होंने बहुत सारे डाउट पूछे, क्या आईफोन रिपेयर करते हैं, क्या लेवल का करते हैं, क्या डबल डेकर CPU यानी मदरबोर्ड, जो उनका 6-7 साल 10 साल से उनका बहुत ही मार्केट के अंदर ऑलरेडी उनकी शॉप है, डीलर का काम लेते हैं, रिपेयर एंड सर्विस करके देते हैं, बट उनके बहुत सारे डाउट हैं जहाँ पे अटक रहे हैं या वो सारे। तो अभी ऐसे टेक्नीशियन को सिखाना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात है, जो ऑलरेडी रिपेयर एंड सर्विस के मार्केट में है और 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, यानी हम कोई अमेरिका से नहीं आए हैं, बट फिर भी स्टिल उनको लगता है कि भाई प्रकाश हमारे से बेहतर करता है और ये एक क्वालिटी का सर्विस सेंटर है और इनका काम करने का तरीका एकदम लेटेस्ट है इंदिरा नगर बैंगलोर के अंदर, और काफ़ी सुना है इन्होंने मेरा नाम। बहुत बड़ी टीम है, आज हमारे पास 20-22 लोग हैं रिपेयर एंड सर्विस करने के लिए, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलते हैं, टेक्नीशियन नहीं रहता है, भाग जाते हैं, बंद कर देते हैं। आज लास्ट ईयर में 2 साल में जितने खुले नहीं उससे ज़्यादा बंद हो गए, बड़े बड़े नाम हैदराबाद में नहीं लेना चाहूँगा, बट कितने इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं, कभी आप पर्सनल मिलेंगे मैं आपको बताऊँगा, ये बंद हो चुके हैं, ना तो उनके पास टेक्नीशियन है ना उनके पास ट्रेनर है। अभी जो मेरे को 15,000 मजे की बात है, हंसी आती है, 15,000 देके सीखा, वो अभी स्टूडेंट से 20,000 चार्ज करता है, 2 स्टूडेंट नहीं है, 4 स्टूडेंट नहीं है, परेशान हो रहा है। सर्विस एक अलग चीज़ है, ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है, ये समझने की बात है कि क्या चाहते हैं आप। अगर ट्रेनिंग सेंटर खोलना है तो फिर उसके लिए अलग नॉलेज की ज़रूरत है, उसके लिए अलग स्किल चाहिए, उसके लिए अलग टेक्निक है, ट्रिक्स है। रिपेयर एंड मैंने आपको ट्रेनिंग दिया है रिपेयर एंड सर्विस सेंटर खोलने के लिए, कहाँ स्पेयर मिलेगा, कैसे रिपेयर होगा, इसके लिए क्या टूल चाहिए, कैसे फॉल्ट फाइंड करते हैं, कैसे कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, आपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के काम किया है और एक बेसिक रीजनेबल आपने अभी सीखा है, अभी आप फ्रेशर हैं, अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, अभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अभी शुरू किया है, आप एक 40-50% 60% रिपेयर कर पाएंगे, 100% नहीं होगा और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इसको सिखा सके 21 डेज में, इट नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। बट एक लेवल तक सारे प्रॉब्लम कैसे सॉफ्टवेयर से ढूंढा जाता है, सारे प्रॉब्लम हमने लाइव रिपेयर करके दिखाया है, क्योंकि हमारे पास ऐसे टेक्नीशियन हैं। आपके पास इतने टेक्नीशियन नहीं हैं उस चीज़ को, एंड्रॉयड के लिए अलग, आईफोन के लिए अलग, ग्लास चेंज के लिए अलग, यानी 20-22 लोगों की टीम है, फिर भी हमारे सर में दर्द हो जाता है इस ट्रेनिंग को मैनेज करने के लिए। यानी सेल्स अलग चीज़ है, अभी पूर्वी का, संगीता, क्रोमा, रिलायंस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हमारा माइंडसेट वेरी क्लियर है, लास्ट 22 ईयर से हमने रिपेयर एंड सर्विस किया है और रिपेयर एंड सर्विस सेंटर का एक अलग प्रकाश सेल्लो सर्विस है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये अलग एक्सपीरियंस सेंटर है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग होती है और वो भी रिपेयर एंड सर्विस की होती है।
हमने आपको ट्रेनिंग नहीं दिया है कि आप इंस्टीट्यूट ओपन करें, यानी वो एक सर्टन एक्सपीरियंस, एक टाइम आएगा तब आपको फील होगा कि हाँ यार मैं भी काम कर सकता हूँ और मैं सिखा सकता हूँ। कल आप अटक जाएंगे, आपसे फोन ही रिपेयर नहीं होगा, और आप क्या सिखाएंगे और क्या उनको बिजनेस के ट्रिक्स देंगे, कहाँ से स्पेयर मिलता है, कहाँ से पार्ट्स मिलते हैं, या कैसे मदरबोर्ड को अरेंज किया जाता है, कब अटक गए तो कैसे निकला जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, रिपेयर एंड सर्विस में भी इतने सारे चैलेंज है, ट्रेनिंग तो बहुत बड़ी बात है। यानी 32 अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग स्टेट, अलग माइंडसेट, अलग लैंग्वेज, अलग, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। हमें पता है लास्ट हम 16-18 ईयर्स इस ट्रेनिंग फील्ड के अंदर है, हमने इतने सारे सर्विस सेंटर खुलवाए हैं, और गॉड ब्लेस जिनका हमने रिबन कटिंग किया, अभी तक बंद नहीं हुआ है, दे आर डूइंग सच ए वंडर। आज हमारे से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सारे सर्विस सेंटर अभी 27 को जो मैंगलोर में खुल रहा है, सी द रिजल्ट लाइक हाउ डज सर्विस सेंटर, यानी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका एड्रेस लगाऊंगा मैं पिन किए हुए कमेंट्स के अंदर, आप गो थ्रू एंड चेक, मैंगलोर में खुल रहा है और 27 को आएगा, आपको इसी चैनल पे लगाएंगे हम कहाँ पे ओपन हुआ है और कैसे ओपन किया और कैसे किया उन्होंने, पहले काम को सीखा है, मोबाइल का सीखा, लैपटॉप का सीखा, यानी इस इंडस्ट्री को समझना और अंडरस्टैंड करना। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे से ही सीखें, कहीं से भी सीखें, बट एक या दो दिन आप, हो सकता है कि उनसे पूछिए कि मैं प्रैक्टिकली, अभी कल जो हमारे पास हरियाणा से आए हैं, मैंने बोला आपको ज्वाइन नहीं करना है, और हमने उनको ज्वाइन नहीं किया, पहले क्लास में बैठे, फिर हमारा लाइव रिपेयर एंड सर्विस सेंटर को देखा, अंडरस्टैंड किया, और उस इंटायर वर्क के अंदर उनको पता चला कि यहाँ पे आईफोन मेरी आंखों के सामने रिपेयर हुआ है, रिपेयर कर रहे हैं, यानी बड़े लेवल आईफोन 13-14, यानी जो रिपेयर हुआ है, एंड इट्स लाइक दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिकली जेन्यूनली, यानी जो रिपेयर कर सकता है वो सिखा भी सकता है, इतने लेटेस्ट इनके पास टूल्स हैं, इतने लेटेस्ट एरिया के अंदर इतना लेटेस्ट एडवांस लेवल का एक सेटअप है। तो कहीं ना कहीं ये लास्टिक, ये जो देख रहे हैं ये अभी का नहीं है, ये 20-22 साल की मेहनत है, इसमें बहुत ही गजब की टीम साथ में है, ये टीम वर्क है, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। अगर रिपेयर एंड सर्विस सेंटर ओपन करना है, देन आई एम ए राइट पर्सन, आपकी हेल्प करूंगा, आपकी मदद करूंगा। और आपका अगर ट्रेनिंग सेंटर खोलने का मूड है, यानी आता जाता कुछ नहीं, फिर इंस्टीट्यूट खोल दो, फिर आप मेरा भी नाम खराब करेंगे। सो आई एम वेरी क्लियर, अगर फ्यूचर में आपका ऐसा कोई माइंडसेट है कि ट्रेनिंग सेंटर खोलना है और आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो रियली जेन्यूनली आई नॉट हेल्प, क्योंकि आप 10-15 हज़ार में उसको आधा खिचड़ी करेंगे, फिर उसको, यानी उसके साथ जुड़ा हुआ होना पड़ता है, लाइक उसके साथ रहना पड़ता है। अभी जो मैंगलोर में हमने सर्विस सेंटर ओपन करवाया, हमारे स्टूडेंट, हमें इनको रिपेयर करके देना पड़ेगा, उनको अपडेट करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनके साथ 6 मंथ 1 ईयर हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक प्रॉपर वेल एक सर्विस सेंटर चले। यानी एक 1 ईयर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अभी आपने आजू बाजू इतने खुले पर कस्टमर कहाँ है, उनके पास स्टूडेंट नहीं है, परेशान खुद भी हो रहे हैं, यानी सर्विस करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, वो कैन लीव ए सच ए ब्यूटीफुल लाइफ। अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि भाई मुझे सर्विस सेंटर खोलना है, मुझे सर्विस सेंटर चलाना है, देन आई एम ए राइट पर्सन, आई विल हेल्प यू वेर यू गेट द ऑल द पार्ट्स एंड स्पेयर। मैं आपको MBA चाय वाला जैसे मोटिवेशनल स्पीकर ना तो हैं और ना ही बनना चाहते हैं, नहीं हम आपको फेक प्रॉमिस करते हैं, 25 लाख 30 लाख खर्चा करवा दिया, अभी वो चल नहीं रही है, 10 रुपये की 20 रुपये की चाय अच्छी खासी मिल जाती है, यू नॉट मेक मनी, एंटायर डे बिजी रहेंगे, अभी उसका नेगेटिव मार्केटिंग 140 ब्रांच में से 100 बंद होने के कगार पे। हम नहीं चाहते ऐसा कोई फ्रेंचाइजी खुले और बंद हो, आप उसको जेन्यूनली मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद को सीखना पड़ता है, बिकम ए गुड टेक्नीशियन। अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए भी 6 मंथ to 1 ईयर की जरूरत होती है, सारे टूल खरीदने के लिए इतना खर्चा नहीं होता है, 25-30 लाख का, 10-20 रुपये की चाय पर कितना अमाउंट बनेगा, यानी आईफोन, मैकबुक, रिपेयर एंड सर्विस, इसके टिकट अमाउंट रेट ज़्यादा होते हैं, कस्टमर कम होते हैं। महीने की अगर 350 या 450 कस्टमर हैं, यू मेक मनी 1.5-2 लाख के ऊपर जाएगा, आप बना देंगे, बट हम लिख के नहीं देते हैं, आपकी किस्मत, आपका एरिया, आपका, यानी आपको अपने आप पे भी भरोसा होना चाहिए। और एक या दो दिन बिना कोई पे किए आप 1 रुपये भी ना दें, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपसे आपका इंटरेस्ट, आपका टाइम, एक वन डे प्लीज़ आप बैठिए हमारे टीम के साथ, आपके पास टाइम है सैटरडे एंड संडे तो विजिट कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट। ये वीडियो भले ही लंबा है बट आपकी क्लैरिटी के लिए है, कल आप ब्लेम ना करें कि प्रकाश ने हमें धोखे में रखा या हमने कहीं से वीडियो देख लिया। आजकल हर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के घूम रहा है, वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कल उससे ऐसा इन्फ्लुएंस हो कि ऐसा कुछ उखड़ा नहीं है उन्होंने, सी द बैकग्राउंड हाउ इट इज, लास्ट उनके 20 ईयर्स उन्होंने क्या किया, क्या अचीवमेंट किया, क्या मिला इस 2018 तक, वी आर लिविंग सच ए जस्ट सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली और वैसा ही लाइफ जिया हमने, हमने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा, नॉट, यू आर सीइंग दैट, ये आफ्टर कोरोना लॉकडाउन
अभी कॉस्टली फोन्स आते हैं, अभी टिकट अमाउंट रेट ज़्यादा होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, रिपेयरेंस सर्विस एक अलग कैटेगरी है, सेल्स एक अलग कैटेगरी है, ट्रेनिंग एक अलग अलग कैटेगरी है। मेरे जो भी स्टूडेंट अभी खोला है इट्स ओके, बट आप मेरे से ही सीख के मेरी ही बुराई करते हो, मेरा ही, यानी कमाल के बंदे हो यार। यानी जहां सीखे हैं, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट से सीखो बट उनको प्रैक्टिकली जेन्यूनली काम तो आए। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे आपने क्या उखाड़ा है, क्या रिपेयर किया? अभी आपको मैं फोल्ड का फोन दूंगा, आपसे ओपन नहीं होगा वो। माइक प्रॉब्लम ठीक करने जाओगे डिस्प्ले आ जाएगा, डिस्प्ले ठीक करने जाओगे नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क करने जाओगे वो ऑन नहीं होगा। इतने कॉस्टली फोन आते हैं, दो फोन होंगे एक सर्विस सेंटर बंद हो जाएगा, ढंग का कस्टमर आया तो बंद करवा देगा। ये बहुत कॉस्टली मार्केट है, बहुत डिलिकेट है, उसमें डेटा रहता है, कस्टमर बहुत जेन्यूनली ऐसा इजीली ट्रस्ट नहीं करता है, ऐसे सर्विस नहीं देता है। आपको पहले काम करना पड़ता है, 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, आप काम नहीं करना चाहते, क्यों सी चेक नहीं करना चाहते, जहां हम सेंटर में भेज रहे हैं अभी हम तो यहाँ पे, यानी स्टार्टिंग इसमें इतना पैसा नहीं मिलता। वेरी क्लियर, आप सीखें ना सीखें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे पास मेरा टारगेट ऑडियंस मुझे मेरे पे भरोसा करता है, उनको पता है एंड दे आर वेरी क्लियर, मुझे सर्विस सेंटर ओपन करना है, आई वॉन्ट टू माई स्टार्ट माई सर्विस सेंटर। यानी जब आप एंटर करें मेरे यहाँ पे एक या दो दिन जब संडे हैं, तो बिना कोई पे किए बैठिए, कस्टमर को दीजिए, फील कीजिए कैसे कस्टमर आ रहे हैं, कैसे जॉब कार्ड बन रही हैं। हमारे कॉलेज स्टूडेंट या बहुत सारे इंटर्नशिप के लिए आते हैं, हमारे बहुत बड़ा सेटअप है, यहाँ पे 6 to 7 रिसेप्शन में बैठ सकते हैं, कस्टमर को जेन्युइनली फील कर सकते हैं, क्या जॉब कार्ड बनाया, क्या प्रॉब्लम था, कैसे रिपेयर किया और कितने में दिया, देन टेक द 1 या 2 क्लासेस, आपको फील हो जाए कि हाँ इट्स कॉल वर्थ, इट्स कॉल जेन्युइनली सीखना चाहिए। मेरे से सीखें कहीं से सीखें बट वहां पे काम तो आना चाहिए, काम तो करना चाहिए, काम करेगा नहीं तो फिर वो सिखाएगा कैसे, होगा कैसे? आपको जेन्युइनली इस मार्केट का पता ही नहीं है, पहले एक बार अंडरस्टैंड कीजिए भाई इस कॉल मेरे लिए वर्थ है या नहीं है। अभी हमारे पास हैदराबाद से आया है अतीक भाई, जो अभी मस्कत में है बाहर कंट्री के अंदर, उन्होंने 10-12 साल इस सर्विस को दिया, उन्होंने पहले काम सीखा, मेरे पास खाली अपग्रेड होने के लिए आया, आईफोन का स्वाइपिंग करना या आईफोन में कुछ डाउट थे या कहीं कहीं डबल डेकर में अटक रहे थे या ऐसा ट्रिक्स था, तो उन्होंने उसको क्लियर किया और अभी अपग्रेड हुए के अपने आप को बाहर कंट्री के अंदर एंड सच्ची लिविंग ब्यूटीफुल लाइफ, और अभी वो अपग्रेड किए हैं अपने आप को, अभी उन्होंने ट्रेनिंग ली, पहले कहीं पे ट्रेनिंग नहीं लिया था, पहले वही सीखे हैं, मार्केट में काम किए हैं जगदीश मार्केट में। तो ऐसे स्टूडेंट मेरे पास बहुत आते हैं जिनका विजन वेरी क्लियर, मुझे बाहर जाना है, मेरे को सर्विस सेंटर अपग्रेड करना है, मुझे ये लेटेस्ट, अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी लेटेस्ट ट्रिक्स हैं वहाँ पे अटक जाते हैं, आपको नहीं पता है, इट मीन्स नहीं पता, और आपने नहीं ट्रेनिंग ली है, तो एक बार आप जब आएंगे अपग्रेड होंगे तो इतना सा जो 15-20 हज़ार खर्चा किया मैं प्रॉमिस करता हूँ निकलवा देंगे आपका, क्योंकि ये एक वेल सर्टिफाइड, एक ट्रेडमार्क, एक रजिस्टर्ड, एक बहुत बड़ी कंपनी है आज प्रकाश सलूलर सर्विस इंदिरा नगर में। आपने क्या सुना है क्या पढ़ा है डजेंट मैटर, आप एक बार अंडरस्टैंड करेंगे जब यहाँ पे आएंगे तो। मैं किसी को भी लेके वीडियो बनवा दूं क्या फर्क पड़ेगा, बट जेन्यूनली क्या है, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी वीडियो से कैसे भी देखें, आपने एक बार आप जाके पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले एंटर तो करो देखो तो सही, कुछ 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं, नॉट इवन। अगर आपने गलती से मेरे मार्केटिंग टीम को अगर 1000 या 2000 आपने एडवांस दिया है, बुक किया, और फर्स्ट डे व्हेन यू फील जेन्युइनली आप नहीं सीख पा रहे हैं या आपके लिए हम राइट नहीं है, आपके लिए नॉलेज नहीं है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप वो अमाउंट भी वापस ले लीजिए मेरे से, आई डोंट वॉन्ट। आपको जॉब प्लेसमेंट चाहिए वो बात अलग है, आपको सर्विस सेंटर खोलना, आई विल हेल्प यू वेर यूल गेट द स्पेयर पार्ट, हाउ यूल गेट द नॉलेज, हाउ यूल गेट द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऑल द मदरबोर्ड, आप किसी से रिपेयर नहीं होगा तो हम पिकअप करवाएंगे, हम रिपेयर करेंगे, हम कस्टमर को सर्विस देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, रीजनेबल रेट में करेंगे, जो मैंगलोर में करना मुझे पता है उनसे कुछ फोन्स नहीं होंगे, कोरियर करेंगे, नेक्स्ट डे यहाँ पे आ जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, उनको चला जाएगा, आज जाता है हमारा सेलम जाता है, कोयम्बतूर जाता है, चेन्नई जाता है, मदरबोर्ड पिकअप करते हैं, हम रिपेयर करके देते हैं उनको, हम मदरबोर्ड स्वाइप करके देते हैं, हम उनको डेटा निकाल के देते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं, एंड दे आर मेकिंग मनी, 60-70% ही उनसे रिपेयर होता है, 30% हमें हेल्प करनी पड़ती है स्टार्टिंग 6 मंथ 1 ईयर, आफ्टर द 1 ईयर यू विल बिकम ए मास्टर। और इतना भी नहीं कि इसमें कोई करोड़ों रुपए कमा लेंगे, अगर कोई बोलता है तो झूठ बोल रहा है, फेक प्रॉमिस है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटर देन सैलरी, आप एक अच्छे मैच्योर्ड हैं, आपको समझ में आता है, मैं कोई आपको बेवकूफ अचू नहीं बना सकता, सेकेंड टाइम नहीं बना सकता, आप एक बार बन गए, पैसा भी देने की जरूरत नहीं, आपको पहले अंडरस्टैंड करना, पहले सीखना है, पहले ऐसे कोई फेक इंस्टीट्यूट पे नहीं जाना जो बंद हो जाए। एसपी रोड में 2 बंद हो गए, एक नया खुल गया, उनके पास ट्रेनर नहीं है, टेक्नीशियन चले गए, यानी दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज एंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम
प्रकाश जो ट्रेनिंग, यानी इसने खुद ने टेक्नीशियन, एज एक टेक्नीशियन है, मैंने लाखों फोन ठीक किए, सर में जितने बाल उतने आईसी लगाए हैं, आई एम रनिंग ऑथोराइज सर्विस सेंटर चलाया, मैंने कार्बन के साथ काम किया, सेंसुई के साथ काम किया है, नोकिया के साथ काम किया है, सैमसंग के साथ काम किया है, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लाखों कस्टमर है मेरे हैप्पी, हजारों स्टूडेंट है, हजारों सर्विस सेंटर है, डेटा है, ऐसा ही कोई मोटिवेशनल कुछ नहीं है, ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको। आप एक बार कहीं पे भी ज्वाइन होने से पहले एक बार विजिट जरूर कीजिए प्रकाश सलूलर सर्विस, एक दो दिन देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, यानी कहां सुना, कहां पढ़ा, क्या देखा, आपने क्या फील किया। जब मिलके जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, आप खुश होके जाएंगे, और जितना आपने मेरे को दिया उससे कहीं गुना आपको निकाल के दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। अगर एक स्टूडेंट के फोन करने पे हम रिबन कटिंग मैंगलोर जा सकते हैं या उनके उद्घाटन में जा सकते हैं, तो उनकी हेल्प भी करेंगे, उन्हें अपग्रेड भी करेंगे, उन्हें सपोर्ट भी करेंगे, जब भी कोई आगे कोई डाउट आएगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड होके जाएंगे। लेटेस्ट हम नॉलेज कहीं से भी हमने पे करके सीखा है या हमने अपने आप के टूल खरीदे हैं, हम उनको फ्री सिखाएंगे। हमारे स्टूडेंट को कोई वापस सेकेंड टाइम फीस देने की जरूरत नहीं है या अपग्रेड होने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। कोई आना है, जब भी कोई क्लास चल रहा है, फ्री में बैठिए, अपग्रेड कीजिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए, अपना फोन लेके आइए, रिपेयर कीजिए, नॉमिनल क्या चार्ज है वो पे कीजिए। जेन्युइनली हम भी सर्विस सेंटर चलाते हैं, फ्री कुछ नहीं है, अगर हम रिपेयर सर्विस करेंगे तो आपसे छोटा चार्ज करेंगे, आपको भी कस्टमर से चार्ज करना है। अगर आपने मदरबोर्ड खरीदा है, आपने डिस्प्ले खरीदे हैं, आपने सेकंड हैंड खरीदा है, अगर एक सर्विस सेंटर चला रहा है, हम सर्विस सेंटर चला रहे हैं, आपके नियरेस्ट जो अच्छा सर्विस सेंटर चलाता हो, जिसके पास अच्छी 10 टेक्नीशियन हो, उनके साथ अगर 2-4 महीना काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कीजिए। बट क्या उसके पास जेन्युइनली काम आता है? ऐसा इंस्टीट्यूट में मत ज्वाइन कीजिए आप चिल्लर पिल्लर, जो लगेगा भाई कल ये भाग जाएगा, और इसके पास टेक्नीशियन नहीं है, इसके पास राइट टूल्स नहीं है, इसके पास कोई बड़ी कंपनियां काम नहीं करवाती हैं। आज हमारे पास कोई चिल्लर पिल्लर कस्टमर नहीं है, हम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील करते हैं, जब उनका पार्सल खोलते हैं तो 100 फोन है, 200 फोन है, बहुत बड़ा विजन लेके चलते हैं। ऐसा कोई अगर सेंटर है आपके पास, वेल एंड गुड, आप 2 महीना ट्रेनिंग भी करेंगे, 6 महीने उनके साथ काम करेंगे, यू विल बिकम ए टेक्नीशियन। और छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी ब्रांड रखिए, कोई भी नाम रखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी फ्रेंचाइजी, इसका नाम ले लिया तो आपका चल जाएगा, आप ओपन कीजिए, चलेगा, अपने आप पे भरोसा और मेहनत है और ऊपर वाले से है तो चलेगा जरूर, क्यों नहीं चलेगा। सो आई विश लाइक सी यू इन द मैंगलोर, दैट आई पुट ऑल द डिटेल इन माई कमेंट्स, सो यू गो थ्रू एंड चेक इट आउट। वैसे मेरा नंबर है 888-43-888-73, आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, एक बार व्हाट्सअप जरूर कीजिए मुझे, आई गिव ऑल द आइडियाज एंड ऑल, जब आपको जेन्युइनली फील हो जाए देन ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप किसी के वीडियोस देख के इंस्पायर होकर अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। जेन्युइनली फ्रॉम हार्ट यू वांट टू स्टार्ट योर सर्विस सेंटर, आई विल हेल्प यू। एंड मेरे चैनल पे है तो जरूर एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो को अपने उस फ्रेंड को टैग कीजिए या भेजिए जो ये सर्विस सेंटर खोलना चाहता है, उसको बोलिए प्रकाश के पास जा, पे करने की जरूरत नहीं, पहले जस्ट एंजॉय 1, 2, 3 व्हाटएवर द यू वांट, लाइक एंजॉय कीजिए उस क्लास को, अंडरस्टैंड कीजिए, जब फील हो जाए तो उसको ज्वाइन कीजिए। हमारा टेक्नीशियन का, ट्रेनर का नॉलेज पता चलेगा, आपको लगेगा कि इट्स ऑल वर्थ, और यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बड़े मैच्योर और एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड इसके पास टेक्नीशियन है, और सेटअप वर्ल्ड क्लास है। और मिलेंगे हम मैंगलोर में 27 तारीख को मॉर्निंग 10:30 एग्जैक्ट ओपनिंग के अंदर। आई विश यू हैप्पी एंड सक्सेस लाइफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, बाय, टेक केयर।